हेलो दोस्तों, आज से आपको इस चैनल पर न्यू कंटेंट देखने को मिलेगा जिसमें आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान बनाने सिखाए जाएंगे। ये हमारा लेसन प्लान 1 है जिसमें हमें सबसे पहले स्कूल नेम, पीपल टीचर नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक लिखना होता है। सब्जेक्ट इंग्लिश है और उसमें टॉपिक लिया है अ हैप्पी चाइल्ड। अब इसमें फिर क्लास लिखते हैं, क्लास फर्स्ट है हमारी, ड्यूरेशन 35 मिनट, डेट लिखेंगे। फिर हम इसमें टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट लिखेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे जिसमें मैंने 3 जनरल ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे इसमें भी मैंने 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, टीचिंग एड्स लिखेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे जिसमें मैंने चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ ब्लैक बोर्ड चिपकाया है जिसमें मैंने वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं और टॉपिक लिखा है और सब्जेक्ट लिखा है। फिर हम प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में आते हैं, उसमें टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछती है और लास्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछती है जो बच्चों को नहीं आता। फिर वो अपना अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करती है। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में वह बच्चों को बताती है कि आज वो क्या पढ़ाने वाली है। फिर प्रेजेंटेशन आता है, प्रेजेंटेशन में पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टॉपिक पॉइंट आते हैं। ये मैंने फ्रंट पेज पे एक हैप्पी चाइल्ड की पोएम लिखी हुई है और मैंने बैक पेज पे ये कंप्लीट किया है। रिकैपिचुलेशन लिखा है, रिकैपिचुलेशन में बच्चों की नॉलेज चेक की जाती है, रिकैप्चुलेशन आता है। फिर उसमें हम कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि बच्चों को कितना समझ आया। फिर हमारा क्लास वर्क होता है, क्लास में जो भी वर्क कराया, जैसे ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखे थे वर्ड मीनिंग, तो हम वो चेक करेंगे कि बच्चों ने किए या नहीं किए। फिर होमवर्क आता है जिसमें मैंने वर्कशीट लगाई है, वर्कशीट हमारी सामने लगती है। मैंने ये वर्कशीट यहाँ पर पेस्ट करी है, ये मेरी वर्कशीट है। वर्कशीट मैंने अपने हैंडमेड बनाई है, आप चाहे तो प्रिंट आउट लगा सकते हैं। फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।